पूर्व युवक कांग्रेस के नेता महेंद्र चौधरी से प्रेम विवाह करने वाली उनकी पत्नी प्रियंका चौधरी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर अपने पति महेंद्र चौधरी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। प्रियंका चौधरी ने बताया कि महेंद्र चौधरी से उनका प्रेम विवाह हुआ था, कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, उसके बाद चौधरी शराब के नशे में उससे मारपीट करने लगा और जान से मारने की धमकी दी। पिछले 18 वर्षों से यातना झेल रही प्रियंका चौधरी ने बताया कि चौधरी ने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली और मुझे वो मेरे पिता को जान से मारने की धमकी दे रहा है। मैं एसपी साहब से मिलने जा रही हूँ महेंद्र चौधरी के अगेंस्ट में। जो सो कॉल्ड हस्बैंड ने मेरे उन्होंने मेरे रहते हुए दूसरी लड़की से शादी कर ली है और उससे एक बच्ची पैदा करी है, क्योंकि उनके खिलाफ मैंने कोर्ट में केस कर दिए हैं 494, 498, 406 का और डोमेस्टिक वायलेंस का। तो उनकी परेशानी ये है कि आप केस वापस लीजिए, नहीं लेंगे और गवाही पेश कर दी तो मैं आपको जान से मार दूंगा। रात को धमकी आई है कि अगर कल रात को, अभी 12 घंटे पहले धमकी दी रात को फ़ोन पे फ़ोन करके कि अगर आपने कोशिश कर ली मेरे अगेंस्ट गवाह ले जाने की तो मैं आपको जान से मार दूंगा। मेरे फादर को भी ये बोला गया है कि आपको और आपकी बेटी को मैं जान से मारूंगा। प्रकाश रोड नगरा पर एचपी फर्नीचर के संचालक गुरमीत सिंह, मंजीत सिंह, जितेंद्र सिंह और जसपाल सिंह ने अलवरगेट थाने को मैनेज कर नसीराबाद रोड सात पिपली बालाजी मंदिर के सामने रहने वाले नौरतमल चौहान के घर में घुसकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी और उनके बेटी रेणुका चौहान और सुषमा चौहान के साथ बदसलूकी करते हुए धमकाया कि वे थोक माल्यान भूमि खसरा संख्या 2135 और 2136 का मुआवजा रेलवे से ना लें, ऐसा किया तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बुधवार को सुबह लगभग 9 बजे सभी आरोपीगण एक राय होकर घर में घुस गए और माता पिता को धमकाया, साथ ही महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की। जब इस घटना के लिए संबंधित पुलिस थाना अलवरगेट को सूचना दी तो पहले से ही मैनेज थाना पुलिस ने उन्हें थाने पर आकर बैठकर बात करने को कहा और आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पीड़ित परिवार ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। सुबह 9 बजे, सही 9 बजे, वुडलैंड वाला जो एचपी फर्नीचर और वुडलैंड वाला उनका मालिक है मंजीत, उनके साथ में गुड्डू कांच वाला मदार गेट पे जिसकी शॉप है, वो दोनों जबरन मेरे घर में घुस गए। उस टाइम हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं था, सिर्फ मम्मी और मैं थी और मेरी सिस्टर थी। जब मम्मी से बदतमीजी धक्का मुक्की करा और उसके बाद में उन्होंने बोला कि ना आपको जान से मार देंगे, बोला आपके भाई एक ही है वो घूमता है, कहीं भी उसका मर्डर करा देंगे और प्रशासन हमारे हाथ में है। जब हमने बोला हम अभी पुलिस को बुलाते हैं या तो आप हमारे घर से, हम हाथ जोड़ जोड़ के उनको बोलते प्लीज़ आप हमारे घर से जाइए, आप जब जेंट्स हो जब आप बात करने आना, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने बोला हाँ हाँ पुलिस को फ़ोन करो। और जब हमने पुलिस को वहाँ पे फ़ोन भी करा था, उसके बाद में मेरी सिस्टर ऊपर बात फ़ोन कर रही थी मोबाइल पे, मैं नीचे उनसे बात कर रही थी, उनको बस ये कह रहे थे आप चले जाओ। उन्होंने हमको जान से मारने की, पूरे परिवार को मारने की धमकी दी है ये देखिए, और अब हमारी जान माल को खतरा है और प्लीज़ आप हमारी है ना आगे हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करवाइए। मामला ये है कि मेरा रेलवे में विवाद चल रहा है, मेरा रेलवे में अवार्ड घोषित हो गया है। नहीं केस नहीं, मेरा रेलवे में है, एक तो रेलवे में मेरा अवार्ड घोषित हो गया, अवार्ड मिलने वाला है, वो मुझे लेने के लिए वो मना कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि केस ले लो आप और ये ना दबाव बना रहे हैं कि आप ये लोगे नहीं।